एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक अनदर मिंत्रा हॉल शेयर करने वाली हूँ और इस वाले हॉल में मैं आपके साथ अपना जो है फुटवेयर कलेक्शन वो शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने मिंत्रा से बाय किया था। इनमें से कुछ पीसेज ऐसे हैं जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मैंने बहुत टाइम पहले बाय किए थे। तो इन सभी का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है आपके लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो। पीसेज ऐसे हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे जो है वेयर कर सकते हैं ऑफिस वगैरह में या अपने वर्क प्लेस पे, और कुछ पीसेज ऐसे हैं जिन्हें आप ओकेजन वाइज या फिर वेडिंग वगैरह में जो है या फिर किसी फेस्टिवल वगैरह में जो है वेयर कर सकते हैं। थोड़े से पार्टी वेयर जो है वो पीसेज हैं। तो ओवरऑल ये वाली वीडियो जो है पूरी एक कंप्लीट जो कॉम्बो होता है फुटवेयर का वो ही बोल सकते हैं आप। तो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे, चैनल थोड़ा भी पसंद आए, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है मैंने अभी रिसेंटली जो बाय की है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है मैंने ये वाला जो ब्रांड है फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, ब्रांड है ये तावी, और इसमें जो है कुछ इस तरह की जो है ये ब्लॉक हील्स ये वाली जो है मैंने बाय की है। ब्लॉक हील्स जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है अगेन, और इसका जो कलर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है। और सबसे अच्छा जो मुझे इसका जो अट्रैक्शन था मेरा वो सबसे पहले ये था कि इसका जो पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरह का हैंडीक्राफ्ट वाला पैटर्न होता है उस तरह का पैटर्न है पूरा ही। कलर इसका कुछ इस टाइप का है कि किसी भी फेस्टिवल में वेडिंग वगैरह में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा पैरों में। ये वाली जो है सैंडल कुछ इस तरह के ब्लॉक हील में है, और ब्लॉक हील जो है अगेन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ये इसका पैटर्न कुछ इस तरह का है, फ्रंट में यहाँ पे आपको कुछ एक जो है इतनी जो है विड्थ की एक स्ट्रैप मिलेगी यहाँ पे, साथ में यहाँ पे जो है टखने के पास कुछ इस तरह का जो है स्ट्रैप दी हुई है जिससे कि इसमें जो है ग्रिप थोड़ी सी अच्छे से बन के आए तो आपका पैर जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा पहनने पर। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है। ये वाला ब्रांड जो है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी, पता नहीं जो है इसकी क्वालिटी कैसे रिसीव होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी सुपर्ब दी हुई है। जिस इसके आप प्राइस आई थिंक 650 के अराउंड था, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी हुई है। और यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह का है ब्रिज और मैरून कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि पहनकर किसी भी वेडिंग वगैरह में ओकेजन में काफ़ी स्मार्ट लगेगा। और इस तरह की हील में ना अगर आप कुछ जो है पेंसिल वाली जो हील आती है उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह की जो है ब्लॉक हील्स इनको ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगती है। सूट साड़ी हर किसी पे जो है अच्छे से चल जाते हैं, अगर आप वेस्टर्न के साथ जो है वेयर करना चाहते हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं, तब भी काफ़ी स्मार्ट लगेंगी। और तो थोड़ा सा डिफरेंट जो पहले की जो फुटवेयर होती है उनसे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, तो इसलिए मैंने इसको ट्राई किया। कुछ इस तरह का प्रिंट है, बैक की साइड भी आपको कुछ इस तरह का क्लोजर मिलेगा जिससे कि आपका पूरा जो पैर है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। हाइट है, हाइट में जो है आपको 2 इंच या फिर 2.5 के अराउंड ही होगा, कुछ इतनी ज़्यादा ही हील मिलेगी आपको, तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी आप इसमें रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह का कुछ ब्लॉक हील्स ढूंढ रहे हैं तो इस वाले हील्स को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास पीस है वो है कुछ इस तरह के पम्प्स, और ये वाले जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में इस तरह के पम्प्स, और इनमें जो है मैंने बाय किया है ये ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे लगता है हर आउटफिट पे अच्छे से जो है चला जाता है। देन इसकी क्वालिटी की बात करूँ जिस रेंज में मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी जो है काफ़ी सुपर मिली है। और जो फुटवेयर है ये कुछ इस तरह के हैं जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट पे काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगे पहनकर, और इनका कलर कुछ इस तरह का है ब्लैक कलर में, और ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे इसकी जो फिनिश है वो पूरी की पूरी जो है मैट वाली फिनिश होती है कुछ उस तरह की है, और साथ में ना यहाँ पे इसमें कुछ आपको इस तरह का टेक्सचर्स है वो मिलेगा जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हील्स जो है नॉर्मल हील्स है, आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं पूरा दिन अच्छे से। प्राइस इन सभी का मैंने जो है स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, और इन सभी का प्रोडक्ट लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके जरूर चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद जो अगेन मैंने इसी ब्रांड में एक और जो है पीस ट्राई किया है, ये वाला है कुछ इस तरह की वेज हील है। मुझे पर्सनली ये वाली जो हील है कुछ इस तरह की वेज हील जो है काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, मैं इसे कंफर्टेबली पहन सकती हूँ, इसमें पूरा दिन जो है मैंने वेयर कर सकती हूँ। तो मैंने जो है ब्लॉक हील्स तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, ज़्यादातर तो मेरे पास कुछ इस तरह के पीसीज ही हैं, तो ये वाली वेज कुछ इस तरह की है, और ये भी ब्रांड तावी से है। साइज इन सभी में मेरा जो है 40 है जो कि मुझे एक्चुअली जो है फिट आया, तो अपना जो एक्चुअल साइज है उसे ही बाय कीजिएगा। और यहाँ पे इसके बाद करूँ तो इसका जो पैटर्न है वो भी कुछ इस तरह का हैंडीक्राफ्ट वाले स्ट्रैप ही दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ क्रॉस करके ब्लैक कलर में, और ब्लैक कलर तो हर किसी आउटफिट पे हर कलर के आउटफिट पे अच्छे से मैच जो है मिक्स एंड मैच हो जाता है। इसे भी आप जो है वेस्टर्न वेयर साड़ीज़ वगैरह के साथ या फिर जींस वगैरह के साथ कंफर्टेबली पहन सकते हैं, और इनसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल हील आपको कहीं और मतलब वेजेस से ज़्यादा कुछ और मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप हील में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ इस तरह के जो है वेज इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करूँ काफ़ी सुपर क्वालिटी है, और साइज इसमें मेरा 40 है। प्राइस जो है इसका भी जो है 650 के अराउंड ही है कुछ इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी सुपर दी हुई है, पहनने पर काफ़ी स्मार्ट लगती है।
तो इसे भी आप जो है डेफिनेटली बढ़ाएं। और इस तरह के पीस ना आप अपने वर्क प्लेस पे भी जो है इजीली पहन सकते हैं, साड़ी वगैरह के साथ, कुर्तीज वगैरह के साथ काफ़ी अच्छा लुक आता है इनका। हाइट है वो 4 इंच तो होगी, शायद 4 इंच के अराउंड ही होगी, तो इतनी है। तो इसमें आपकी जो है हाइट वो भी थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देगा अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है। तो इस तरह की जो नेक्स्ट जो पीस है वो कुछ इस तरह के फ्लोटर्स हैं, मुझे आई डोंट नो, मुझे लगता है फ्लोटर्स ही बोलते हैं इन्हें, और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो मैंने इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो मैंने ये वाला ब्राउन कलर इसमें जो है बाय किया है। यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह की इलास्टिक जो स्ट्रैप्स हैं वो मिलेगी, और एक जो है यहाँ पे जो टखने के पास होती है कुछ उस तरह की है, जिससे कि जो है पैर की ग्रिप है वो थोड़ी अच्छे से बनी रहे और पैर इधर उधर ना हो। और ये वाली जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है, आई थिंक ये 450 के अराउंड है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और इन्हें मैंने डेली वेयर में काफ़ी दिनों से मैं इन्हें वेयर कर रही हूँ, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है पहनकर। इसमें जो है पूरा पैर आपका कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने पैर में कुछ पहना हुआ है। और हील जो है इसमें मिनिमम सी हील मिलेगी आपको, अगर आप डेली बेसिस पे साड़ीज़ वगैरह के साथ, कुर्तीज़ वगैरह के साथ कुछ ढूंढ रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबली पहन सकें इन समर में, तो इस पीस को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो पीस है वो है कुछ इस तरह की फ्लैट्स, और ये वाली जो फ्लैट्स है मैंने, ब्रांड है इसका अनोक ब्रांड में आपको कुछ इस तरह की जो है काफ़ी ब्यूटीफुल सी है फ्लैट्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे आपको इसमें। और ये वाला जो है कुछ इस तरह के बीज कलर में है, तो इस तरह का कलर है वो हर मतलब आउटफिट पे चल जाता है और हर कलर पे चल जाता है। और ये वाला है कुछ, इसमें भी जो मेरा साइज़ है मैंने 40 ही बाय किया है। इनकी बात करूँ तो इनमें जो है आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे एक जो है स्ट्रैप दी हुई है बड़ी वाली, और साथ में यहाँ पे आपको अंगूठे के लिए दिया हुआ है, तो काफ़ी कंफर्टेबली पहन सकते हैं। ये थोड़ी सी कुछ इस तरह की है, आप अपनी जो है कुछ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली जो है कुर्तीज़ वगैरह है, या फिर अगर ओल तो आप इसे साड़ी के साथ भी जो है वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है पहनकर। और इस तरह की जो है फ्लैट्स कंफर्टेबली आप समर में इजीली कैरी भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ गोल्डन कलर की कुछ इस तरह के स्ट्रैप दी हुई है चौड़ी यहाँ पे, और उस पर कुछ इस तरह के जो है थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा सा जो हैवी लुक आ रहा है इसका। इसे जो है आप पार्टी वगैरह में या फिर किसी भी जो अपने एम्ब्रॉयडरी जो कुर्तीज़ वगैरह हैं उनके साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, पहनकर काफ़ी स्मार्ट लगते हैं। चूड़ीदार के साथ, प्लाजो के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं, और पूरा दिन कंफर्टेबली आप इन्हें पहन भी सकते हैं। तो अनोक में जो है कुछ इस तरह की काफ़ी अच्छी फ्लैट्स आपको मिल जाएंगी, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैंने तो ये वाला चूज़ किया। हमारा मन होता है ना कि हमें कुछ हील्स वगैरह पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो उसमें ना ये वाली जो फ्लैट्स है ये काफ़ी स्मार्ट लगती है कुर्तीज़ वगैरह के साथ। आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर जो है अपने जो किसी भी फेस्टिवल ओकेजन वगैरह में इजीली इन्हें कैरी कर सकते हैं। आई होप मैंने जितने भी फुटवेयर आपके साथ शेयर किए हैं आपको पसंद आए, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।